योग्यता में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आस्था शुक्ला और मैं अनिला हुसैन आज की इस शानदार प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। जैसे प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। तो हम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं ताकि उनका आशीष हम पर सदैव बना रहे। इसी के साथ मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रिंसिपल सर, अंशु मैम और संगीता मैम को स्वागत करती हूँ और उनसे दीप प्रज्वलन का अनुरोध करती हूँ। Thank you.
अगर गाना पसंद आया हो तो तालियां जरूर बजाएं। अब इसी के साथ मैं रमन सदन के बच्चों को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपने बेहतरीन कजरी गीत से आपका मन प्रसन्न कर दें। Oh,
जैसे कि आप जानते हैं हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। तो आइए उन्हीं कृषियों को सम्मान प्रकट करने हेतु हम लोहिया सदन की ओर से एक कृषि आधारित गीत सुनते हैं। धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाते हैं। अमीर गरीब राजा है सबका जीवन किसान के मेहनत पर आश्रित है। किसान ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात के परवाह किए बिना अपन अपन खेत में फसल उगावत है और उन्हीं फसल के दाना पूरे देश दुनिया के भूख मिटावत है। यही नाते किसान के अन्नदाता भी कहा जाता है। Thank you.
आश्रित है। ज्ञान मार्ग ही प्रेम मार्ग है। ज्ञान और प्रेम यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो आइए इन्हीं मार्गों का अवचरण करते हुए हम टेरेसा सदन की ओर से एक गीत सुनते हैं। जब जब भोजपुरी लोक संगीत के बात होला तब कुछ है संगीत जोना की हमने की भोजपुरी लोक संगीत के अमरगीत बारसन जोना की आज भी चल गया तो वही पुरान जमाना पुरान मिठास पुरान भाव याद आ जाना। ऐसे नहीं को गीत आपके से हम सामने लेकर आई भाई एक गीत चुनने के रंग साचा हमार दिया इसके वाला कोने कोने भाव मेरे कल्ला के कोने कोने भाव मेरे करके समझे बाटे हमारा शरीर के विषय में कितनी सुंदर बात कितनी तरह से बकौले बाटे ध्यान दे जाते थोड़ा सा जी।
सदर के महान कला
पुत्र के जन्म उससे संबंधित कहानियों और उत्सवों से सुंदर वरदान मिलते हैं। तो चलिए जूनियर विक से कृष्ण सदन के बच्चों द्वारा एक सुंदर सोहर गीत सुनते हैं। Thank you.
15 seconds. Sit properly, everyone. Everyone, sit properly. There is a sadan ki aur se ek logi. भगवान की तरफ से हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को वंदन करते हैं. संस्कारधारी रेडियंट एकेडमी के इस कार्यक्रम के निर्णायक मंडल को प्रणाम करते हैं तथा अज्ञानता के दिमिर को अपने ज्ञान की आलोक से आलोकित करने वाले गुरुजनों को प्रणाम करते हैं. जैसा कि हम सबको यह विदित है कि आज हम सावन के इस विषय पर एक कजरी के साथ प्रस्तुत है, जो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं. Thank you.
सकते हो। भारत के अनोखे रंग कहीं छिपे नहीं है, इन्हीं रंगों में से आता है हमारा पसंदीदा लोकगीत, जिसको सुनने के बाद बच्चे बूढ़े मग्न से हो जाते हैं। मैं स्वागत करती हूँ लोहिया सदन का इन नन्ही कलाकारों का एक लोकगीत के साथ। अरे ओ सखी, हाँ ठीक बोला, कैसे पढ़ू? हम तो ठीक बानी, तू बताओ तो कैसे पढ़ू? हम ठीक बानी। कहाँ जा मानू? जाती बेचारी काली को धानी छुरी लाए गए, लेकिन वो चुनरिया बह खराब वही के फेरी जाते। हाँ हाँ, फेर क्यों ना आए तो पैसा खराब हो जाए। आवा चला चले जा। ना ना, हम तो ना था इतनी देर आती, चला तो तू ही जा। अरे अरे अरे, पूरी धानी चुनरिया उड़ गए। Thank you.
आप समझे? मुझे लगता है जो किया हुआ प्रोग्राम को आप सबने परफॉर्म किया, उसके लिए आपने तैयारी भी करी और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहा। मेरा पर्पस है कि आपसे कुछ बातें हो और आपको इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या हम अचीव करना चाहते हैं या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। तो भी आपने कार्यक्रम यहाँ पे प्रेजेंट किया, आपने प्रस्तुत किया, दे आर रिलेटेड टू आवर कल्चर ट्रेडिशन। जिन प्रोग्राम्स को आपने परफॉर्म किया यहाँ पे, आप इनको कहाँ पाते हैं? यस ओके, बट नाउ ऑल दीज प्रोग्राम्स हैव बिकम रेयर। यस सर, यस सर, इसका नुकसान क्या है? हम कहीं कहीं जो अपनी कल्चर है, जो अपनी सभ्यता है, जो अपना ट्रेडिशन है, उससे हम अलग होते जाते हैं। ये सारे की सारी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी संस्कार है, जो भी बस संस्कृत से रिलेटेड कार्यक्रम जो हमारी फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ओकेजन्स पे होते हैं, उनके पीछे का मकसद क्या है? आज हमारे पास दुनिया भर के इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज हैं, सबके पास सेलफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, ऑडियो विजुअल एड सबके पास है। पहले क्या ऐसा होता था? लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स आज है वो पहले भी थी। अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए, फेस्टिवल्स को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को स्ट्रेस फ्री कराने के लिए, आज आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। क्यों? स्ट्रेस समझते हैं ना? आपको भी अच्छे रिजल्ट का स्ट्रेस है, पेरेंट्स को भी आपके लिए अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज को, आपके लिए अच्छी एजुकेशन को अवेलेबल कराने का स्ट्रेस है, हमें भी स्ट्रेस है कि आपके रिजल्ट अच्छे आए। एवरीवन, ठीक है? यस सर। तो इन तनाव के छड़ों से मुक्ति पाने का तरीका क्या है? जब तक आप परफॉर्मेंस में बिजी थे, दुनिया की सारी चिंताएं आपसे दूर थी। यू आर ऑल इंग्रॉस्ड इन दिस परफॉर्मेंस। और कुछ सोच रहे थे आप लोग? नहीं, यहाँ कैसे अपना परफॉर्मेंस बेहतर करें, कैसे अपने हाउस को जिताए, ये बात और है। रिजल्ट के बाद फिर हम तनाव में हो सकते हैं, हम सोचेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ लेकिन हमारे हाउस को पोजिशन नहीं दी गई। सेकेंडरी चीज पर्पस हमारा ये है कि जो भी एक्टिविटीज हम ऑब्जर्व करते हैं उनको हम फुली एंजॉय करें, साथ ही साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, आपको कहीं कहीं आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार और आपके ट्रेडिशन से आपको ऐड करते हैं। जितने भी सॉन्ग्स आपने प्रेजेंट किए, ये सारे के सारे हमारे क्लासिकल ट्रेडिशन के पार्ट हैं। लेकिन धीरे धीरे ये एक्सटेंशन के वर्ड्स पे खड़े हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, एवरीवन इज बिजी। आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, सुबह जैसे ही सुबह उठते हैं स्कूल पहुंचना है, स्कूल से जाते जाते शाम हो जाती है, होमवर्क करना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर की तैयारी करनी है। पहले लोग कैफ की हुआ करते थे, इतनी आपा नाती नहीं थी, आप लोग नहीं थी,
तो एक दूसरे के साथ जुड़ने सेलिब्रेट करते थे एंजॉय करते थे। आज हमारी सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है बना। अभी गांव में हो सकता है या कुछ फैमिलीज में ज्वाइंट फैमिलीज का कल्चर हो। गांव में तो पूरा पूरा गांव एक फैमिली का बिहेव करता था, वो तो साथ बैठ करके अपने जो भी ओकेजन हुआ।